हेलो गाइस, मैं विकास कुमार साहू। आज आपको मैथ का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, वो है एक्सपोनेंट। और आपको 100% का गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रकार का भी इस पे दिक्कत नहीं होगा। जितना भी टाइप्स का इसमें क्वेश्चन आता है, उस सारा टाइप्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। हायर क्वेश्चन से लेके लोअर क्वेश्चन तक इस पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी इसका बेसिक फॉर्मूला है, पहले उसको बहुत हद तक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझने के बाद उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में एंट्री करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो देखिए, अगर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखिए अगर इस टाइप साइन दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब मेरे बाद ही समझिए इस पे है क्या, क्यों दिए इसको हम। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहले हम लिख दीजिए, जो फॉर्मूला जो है इसका पहले हम लिख दिए हैं कि यहाँ पे एन और इसका पावर एक्स है। ये एन को क्या बोलते हैं, एन को जनरली बेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा किसी भी संख्या, मानते एक्स का पावर वाई दिया हुआ है, तो ये एक्स क्या है, एक्स एक बेस है, ठीक है। और वाई क्या है, वाई पावर है, उसको एक्सपोनेंट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर वन इसमें क्या बोल रहा है, यदि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो। देख लीजिए, बेस सेम, बेस यहाँ पर एम है और यहाँ पर भी एम है, ठीक है। पावर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पावर कितना एम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यदि मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, तो बेस जो है वही रहेगा, बस पावर जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, पावर जोड़ दिया गया। सेकेंड फॉर्मूला देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और डिवाइड का साइन हो, ठीक है, तो उस केस पे क्या होता है, उस केस पे जो तुम्हारा ये है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, पावर जो है तुम्हारा माइनस हो जाएगा। एम सेम लिखा जाएगा और जो बेस है वो माइनस हो जाएगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला ही पहले आएगा, ऐसा नहीं कि वाई माइनस एक्स करके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस पे पहले एक्स माइनस वाई जो तुम्हारा एलएचएस साइड में हो, उसी को जो पावर है उसी को पहले लिखेंगे, उसके बाद इसका लिखेंगे, क्लियर है। तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या बोल रहा है, यदि अगर यहाँ पे एक्स का पावर वाई दिया, एक्स का पावर एम दिया हुआ है और इसका होल पावर जो है एन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वही चीज यहाँ लिख दिए हुए, क्लियर है। अब देखिए, अब मेरा बात समझिए यहाँ पर ही, जैसे अगर m का पावर माइनस के फॉर्म में दिया हुआ, अगर m का जो पावर है माइनस के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है, तो अगर m का पावर जो है माइनस के फॉर्म में दिया जाएगा तो क्या करना होगा, बस अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पलट देना होगा, मतलब कि न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे था वन, तो वन क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा तुम्हारा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए, ये एक्स जो है पावर तुम्हारा जो यहाँ माइनस था वो हट के तुम्हारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई संख्या इस प्रकार भी दिया होगा, मान लेते हैं कि इस कोई नंबर दिया हो, जैसे कि अगर ये हद हुआ दिया, एक लिख दिया, आप देखिए यहाँ पे यहाँ लिखे हुए क्या, यदि एम का पावर एन है, ठीक, एम बाय एन है और उसका होल पावर जो है माइनस एक्स दिया हुआ, तो क्या करना होगा, इसको कुछ नहीं, इसको आप पलट दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। तो जो बोले हम क्या कि न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए n बाय m हो जाएगा और पावर जो माइनस था वो हट जाएगा बस n से, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हुए हम। अब देखिए हम लोग आगे फॉर्मूला क्यों बढ़ते हैं, यदि कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर जीरो के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, कोई भी नंबर चाहे 1000 क्यों ना, लाख क्यों ना, अगर उसका पावर जीरो कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका वैल्यू वन आता है। देखिए ये प्रूफ भी होता है, कुछ नहीं, हम सिंपल सा लॉजिक है, अगर इसी फॉर्मूला याद है तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा, नाम चाहिए एम का पावर दिया जीरो को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें आ गई आप इस साइन क्यों दिए हुए, ये साइन इसलिए दिए हुए कि ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं और ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं, इसलिए हम ये साइन दिए हुए हैं, ठीक है। साइन का ही मतलब है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसके बराबर ये सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे बात समझिए यहाँ पर, अब जैसे हम क्या बोले, ये इसके जीरो को क्या हम एम वन माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके फॉर्म में आ गया है, तो इसके फॉर्म में आ गया, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, तो m का पावर 1 डिवाइड का साइन देंगे और m का पावर 1, क्लियर हुआ था, ठीक है। अब हम लोग जनरली से जानते हैं डिवाइड करने के लिए, लोग बचपन सीखते आए हो, किसे डिवाइड करते हैं बाबू, इसको इस प्रकार करते हैं ना बाबू हम लोग, तो फिर वहां पर भी यही काम करना पड़ेगा हमको भी,
अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम का पावर वन डिवाइड एम का पावर, ये हो जाएगा ठीक है, कट जाएगा, देखिए वन आया, क्लियर है, बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, आसान समझिए ठीक है। अगला पावर देखिए, अगला जो फॉर्मूला है ये देखिए, इसको बिटाते थोड़ा लिख लेना पोस्ट करके ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर रूट जो होता है रूट एम दिया हुआ है ठीक, स्क्वायर रूट एम दिया हुआ है, अब स्क्वायर रूट एम दिया है, यदि हमको इसको नंबर में लिखते हैं तो क्या होगा, इसमें देखिए रूट हटता जा, जानते हैं रूट यहाँ पे टू रहता है ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब रूट होगा तो थ्री दिया जाएगा ठीक है, थ्री दिए गए ठीक है, अगर तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा मतलब वो स्क्वायर रूट है ठीक है, अगर वहां पर तीन यहाँ पर स्पेसिफाइड नंबर कर चुका है तो मतलब वो क्यूब रूट है ठीक है, फोर भी होता है, तो अगर स्क्वायर रूट है तो उसको जल्दी हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं वन बाय टू, यहाँ पे टू रहता है जी टू, तो वन बाय टू होगा, अगर मान दे क्यूब रूट है, क्यूब रूट एम दिया हुआ है ठीक है, क्यूब रूट दिया हुआ है ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा एम वन बाय थ्री होगा, लिख दिया यहाँ पर ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं ये तुम्हारा एक्स क्यूब एक क्या बोलते हैं एक्स रूट दिया हुआ है ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम का पावर वन बाय एक्स हो जाएगा, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, ये तो तुम लोग समझा चुके। अब इस फॉर्मूला समझने के बाद एक बार फिर से रिपीट करते रहे बाबू, ये इक्वल टू ये हो सकता है, ये इक्वल टू ये हो सकता है, ये इक्वल टू ये होता है, और ये इक्वल टू ये होता है ठीक है, तो सब इसी प्रकार एक दूसरे पे मतलब ये मतलब LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS, ये इसमें हो सकता है, इसलिए साइन हम लोगों को दिए हुए ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत सा कुछ में क्या करता है कि इस फॉर्म में तू दे देगा, अब तुमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ठीक है, इसीलिए अभी देखते हैं हम लोग जब क्वेश्चन इस बेसिस पे हम डील करेंगे तो बहुत हद तक तुम लोगों को प्रयास करेंगे समझाने के ठीक है। अब देखिए इसमें बोले क्या कि इस पे लोअर से लेके हायर क्वेश्चन इस पे हम लोग डील करेंगे ठीक है, आप देखिए इसी बेसिस पे जो सर क्वेश्चन जो जितना भी टाइप्स है इसमें आएगा, कुछ टाइप्स इसमें लिए हुए हैं, अब ध्यान दीजिए, देखिए एक फॉर्मूला इसमें बस यह था, वो फॉर्मूला क्या ध्यान दीजिए, जैसे अभी हम क्या बोले, बेस यदि सेम हो पावर डिफरेंट हो ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो ठीक है तो पावर जुड़ जाता है, माइनस का साइन हो पावर क्या होता है, अगर डिवाइड का साइन हो ठीक है तो पावर क्या है घट जाता, मतलब सॉरी हाँ घट जाता ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो लेकिन मल्टीप्लाई का साइन देगा तभी ये हो पाएगा ठीक है, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई ठीक है उसका होल पावर एम हो जाएगा, बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो अगर मल्टीप्लाई का साइन है तभी ये हो पाएगा ठीक है, तो फिर एक्स मल्टीप्लाई वाई उसका होल पावर एम। अब देखिए इसे फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन हम इजी है, जो भी तुम लोगों को फॉर्मूला सिखाए उसी बेसिस से क्वेश्चन है ये तुम्हारा, बेस से है पावर डिफरेंट है, बेस से है पावर डिफरेंट है, पावर मल्टीप्लाई साइन है पावर जोड़ी है ठीक है, ये टू आ गया क्लियर है, देख लीजिए जोड़ दी दो ताकि तुम लोग फ्रैक्शन तो आता ही होगा ठीक है। अब ध्यान दिए फिर देखिए दूसरा इस पे क्या बोल रहा है, डिवाइड का साइन है वो देख लीजिए, अगर सिक्स बाय से डिवाइड है ना फिर बेस सेम है पावर डिफरेंट है ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तुम आता है एलसीएम 20 आएगा तो पांच चार माइनस आएगा तुम्हारा ठीक है, क्लियर याद रखूंगा। तीसरा हम क्या बोल रहे हैं देख लीजिए बाबू, तीसरा वही फॉर्मूला पे आधारित है, बेस पावर सेम है बेस डिफरेंट है, पावर सेम है बेस डिफरेंट है ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन तो क्या हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई थ्री का होल पावर हो जाएगा तुम्हारा वन बाय फाइव वन बाय फोर, इसको तुम इस टाइप से भी नहीं सकता, कोई दिक्कत इसमें नहीं है क्लियर, फिर यहां से तुम्हारा ये आ जाएगा ठीक है। अब देखिए यहाँ फोर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि थ्री का पावर दिया है फोर इसका होल पावर दिया है फोर बाय फोर तुम लिखवाए थे तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है, देख लिख कर दिए फोर फोर से कैंसिल आंसर थ्री, क्लियर है। अगला क्या बोल रहा है 125 दिया हो तो 125 को हम 5 क्यूब 5 का पावर 3 लिखते हैं, 125 को जो है हम लोग 5 का पावर 3 लिखते हैं, इसका होल पावर दिया कितना 3 1 बाय 3 मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला अनुसार कट जाएगा बट 5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया 1 का पावर 3 2 का पावर 3 यहाँ पे देखिए इसमें पावर सेम है लेकिन बेस जो है डिफरेंट है, लेकिन इस पे इस तरह नहीं हो पाया कि यहाँ प्लस का साइन है तो अलग अलग से तोड़ना पड़ेगा तुमको, अलग अलग तोड़ दिए, एक आएगा इसका दो इसका आठ आएगा 27 आएगा जोड़ने पर 37 36 आता है, इसका होल पर वन में टू दिया हुआ है तो हम जानते हैं 6 का स्क्वायर था 36 इस पर तोड़ दिए आया आंसर 6, क्लियर आता है। अब यहाँ देखिए अगला टाइम क्वेश्चन ध्यान दीजिए ठीक है, तो 3 का पावर 4 दिया 3 बाय 4 दिया उसका होल पावर 3 दिया हुआ है, फिर दिए 4 बाय 3 दिया उसका होल पावर माइनस 7 दिया, इसमें 3 बाय 2
और 2x दिया हमको, इस पे x का निकालना वैल्यू, ठीक है, x का निकालना क्या हमको वैल्यू, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, स्पेस नहीं होने का, x निकालना वैल्यू हमको, ठीक है, तो x का निकालना है हमको वैल्यू। अब ध्यान दीजिए इस पे अगर तुमको जो है x का निकालना वैल्यू तो क्या करना होगा तुमको, उसमें इस पे जो है तुम लोग को बेस को सेम करना पड़ेगा, बेस यदि सेम हो जाए अगर इक्वल टू अ साइन तो बेस कट जाता है, ठीक है, हर सिर्फ पावर बच जाएगा, तो मेरा जो पहला प्राथमिकता है बेस को सेम करना, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, 3/4 का पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ 4/3 दिया है, और यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, यहाँ 4/3 दिया है, ठीक है, तो तुम चाहो बेस को सेम करना, चाहे तुम इसको ही चेंज करेंगे, इन दोनों चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर ठीक है ध्यान दो, तो यहाँ पे 3/4 का पावर इधर दिया हुआ, इसमें इसको चेंज करना हुआ, यहाँ माइनस के फॉर्म में दिया हुआ, ये माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवा दी, x बाय वाई रे, इसका पावर माइनस में दिया हुआ तो पलट जाएगा, y बाय x हो जाएगा, तो वही यहाँ काम भी होगा तुम्हारा, ये सेव कर जाएगा, इसको पलट दिए, ये माइनस हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3/4 यहाँ पर 3/4 करना, ठीक है, तो एक बार जरा क्वेश्चन चेक करता, जैसा जरा सुन जाइए आप लोग, ठीक है, 3/4 ही है, ठीक है, अब ध्यान दो, तो 3/4 यहाँ पर ही, तो अब जैसे यहाँ पे हम बोले क्या हमको बेस को सेम करना है, ठीक है, तो एक हम बेस सेम कर चुके, ये डिफरेंट था 4/3 था, लेकिन वो ला रहा क्या था 3/4 ला रहा, ठीक है, तो हम जब यहाँ माइनस फॉर्म दिए तो चेंज कर दिए, तो क्या हो गया मेरा माइनस हट गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या दे रहा हमको, 3/4 दिया हुआ, इसका होल पावर होल पावर दिया कितना 2x दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए जैसे यहां पर ये हो गया बेस सेम है, बेस सेम पावर डिफरेंट है, क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई से ना पावर जुड़ जाएगा, पावर जोड़ दिए, फिर देखो बेस यहां भी सेम है, अब देखिए यहां पर यदि इक्वल टू का साइन रहा, ठीक है, बेस सेम रहा, ठीक है, तो ये बेस बेस कट जाता है, ठीक है, यहां काटना नहीं है तुमको, बेस बेस कट जाता है, ठीक है, और ये तुम्हारा उतर जाएगा और ये उतर जाएगा, ठीक है, जोड़ देंगे 10 आएगा, ये माइनस 2x आएगा, सॉरी माइनस नहीं, यहां से 2 आएगा, ठीक है, अब देखिए 10 तो काटेंगे इसको 5 में आंसर, क्लियर है। अब देखिए ये कुछ जो आसान सा क्वेश्चन था वो सब तुम लोग करवा दिए, अब तुम लोग जो है तुम लोग हाई लेवल क्वेश्चन कराते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस वीडियो में जितना बताया तुम लोग को ये सब सारा जो है तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद जो इसके बाद जो बताएंगे ये सारा उसी पे आधारित है, ठीक है, अगर ये तुम लोग को बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुका है तो उस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से डील कर लोगे, ठीक है, मेरे बनाने से पहले तुम लोग पॉज कर लेना, ठीक है, उसको बनाने पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद जो है अगला तुम्हारे में एंट्री करना, ठीक है।